हेलो डियर स्टूडेंट्स लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है अ करंट लूप कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल सेमी सर्कुलर पार्ट्स ईच ऑफ रेडियस आर वन लाइंग इन एक्स वाई प्लेन अनदर इन एक्स जेड प्लेन करंट इन द लूप इज आई रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेमी सर्कुलर पार्ट्स विल बी तो एक लूप आपका ऐसे रखा हुआ है एक लूप आपका ऐसे रखा हुआ है आप इसको समझ सकते हैं जैसे लैपटॉप होता है तो लैपटॉप का दो दो फेसेस होते हैं लैपटॉप के ठीक है ना ये आपकी स्क्रीन होती है और ये लैपटॉप का कीबोर्ड वाला पार्ट होता है तो ऐसे ही दो लूप रखे हुए इस तो इसको, इसको लूप नंबर टू मान लिया मैंने तो हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है यहाँ पे कितनी होगी तो सेमी सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्निट्यूड होता है वो होता है म्यूनो टाइप ए फोर क्योंकि पूरे सर्कल की वजह से पूरे सर्कुलर सर्कुलर लूप की वजह से जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो इतना ही रहने वाला है इसका भी और इसका भी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना ही होगा म्यूनोटाइप बाई फोर आर मुझे रिजल्टेंट निकालना है और मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मेरे को डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी तो पहले वाला लूप मेरे को ऐसे दिया हुआ है उसमें करंट किस सेंस में जा रहा है आप देखेंगे तो करंट की सेंस है क्लॉकवाइज एक मिनट क्लॉकवाइज सेंस में करंट जा रहा है ठीक है तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेंगे तो थम अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है अंदर की तरफ यानी कि माइनस दैट एक्सेस ठीक है तो फर्स्ट वाले की मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी ऐसे बी मानते हैं उसको इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बी मानते हैं इधर आएगी तो मैंने यहां पे बी लिख दिया अच्छा ये वाला जो इस प्लेन में प्रेजेंट है हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगेन राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो राइट right हैंड की फिंगर्स को कैसे कर्ल करेंगे देखो कैसी सेंस है इसकी अगर मैं ऊपर से देखूं इसको तो इसकी सेंस है क्लॉकवाइज ठीक है ना तो ऐसे घूम रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिस इज द वे ऊपर से देखने में दिस इज द वे थम नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं वर्टिकल डाउन लाइक दिस ठीक है ना लाइक दिस दिस इज द वे करंट इज गोइंग सो थम इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी भी बी होगी दैट इज म्यूनो टाइम आर नीचे की तरफ दोनों में नाइन्टी डिग्री का एंगल है एक की डायरेक्शन है इधर और इधर एक की डायरेक्शन है नीचे ठीक है ना दोनों में कितना एंगल है नाइन्टी डिग्री का तो दोनों की वैल्यू होगी इधर इस डायरेक्शन में रूट टू भी तो दो अगर सेम वैक्टर्स होते हैं और उनमें नाइन्टी डिग्री का एंगल होता है तो उनका रिजल्टेंट रूट टू टाइम्स हो जाता है रूट टू भी उनका रिजल्टेंट हो जाएगा बी यानी कि एक सेमी सर्कुलर आर की मैग्नेटिक फील्ड जो कि म्यूनोटाइप बाई फोर आर है वो मैंने पहले ही बता दिया था आपको तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसको अपन रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो रूट टू रूट टू फोर हो जाए रूट टू रूट टू टू हो जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका फोर रूट टू सॉल्व करके आ जाएगा म्यूनो बाई टू रूट टू आर ये अपना आंसर हो जाएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग